Good evening, I'm Aksha Show, Third Opinion with Mr. Bashani. I'm your host, Jasleen. Ms. Bashani, I'm sure you have heard of the scandal that's been going on in Pakistan involving an American woman named Cynthia Ricci. Can you please tell us what this is about? Thank you, Jasleen. Bade arse baad hum dobara studio mein aaye hain. Agar se program to hamare chalte rahe hain. To isliye hamare apne jo dekhne wale hain unki khidmat mein bahut-bahut jo hai wo salam aur adab. तो ये जो सिंथिया रिची का है इशू है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बल्कि अब पुराना हो गया, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया इसको, लेकिन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम उसके बाद ये पहला हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा पर्सनली, चूँकि ये जो इशू है सिंथिया का, ये इसके साथ बड़ा जो है वो पॉलिटिकल, कल्चरल और एथिकल इशूज़ इन्वॉल्व हैं, और ये बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी को एक्सपोज करता है। ओके। उसके जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं और मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ चेहरे हैं जी, जो उन्होंने सजाए हुए हैं बाकोल किसी फिल्मी गीत के किसी चेहरे पे चेहरा सजाया हुआ, तो वो ज़्यादातर उसमें पॉलिटिशन, जो कि पॉलिटिकल क्लास इसमें इन्वॉल्व है जी, सारे लोग। तो इस हवाले से मैंने कहा कि थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को इसके बारे में अपनी राय देते हैं। पहली बात यह है कि ये जानना ज़रूरी है कि ये खातून हैं कौन। ये एक अमेरिकन खातून है जो बाकोल उनके काफ़ी पढ़ी लिखी खातून है, उनके जो रेज्यूमे हैं, जो उनकी वेबसाइट है, फेसबुक प्रोफाइल है, उसके मुताबिक उनके कोई तकरीबन 3-4 जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज हैं। ओके। और वो पाकिस्तान में गुज़श्ता जो है वो 10-12 साल से रह रही हैं, और उनका कहना ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, जो कि कोई डॉक्यूमेंट्री या उसकी कोई झलकी अभी तक सामने नहीं आई। Okay. कभी वो कहती हैं कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, कभी कहती हैं मैं कोई किताब लिख रही हूँ, कभी कहती हैं मैं कोई फिल्म बना रही हूँ, लेकिन इन काविशों में से कोई भी अभी तक जो है वो मटेरियल शक्ल में आवाम के सामने नहीं आया। Okay. लेकिन उन्होंने आते ही जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, पोलिटिकल एलीट क्लास, उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस जो है वो उन्होंने घेरी। ओके। जिसकी वजह से मैं ये बात करना चाहता हूँ खुसूसी तौर पे कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ पे सोसाइटी के मामलात मर्दों के हाथों से ही गुजर के होते हैं। सो ऑब्वियसली ख्वातीन जो भी कोई काम कर रही होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मर्द से वास्ता पड़ता है। तो उस हिसाब से उन्होंने जो हालिया दिनों में जो स्टेटमेंटें दी हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, जो कि बहुत ही एक डेरोगेटोरी स्टेटमेंट में उसको कहूँगा, बल्कि डिसगस्टिंग, और पर्सनली मुझे ये बात बहुत बुरी लगी लाखों लोगों की तरह, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के जो भी नज़रियात हैं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बैकग्राउंड है, लीनिंग है, उसको आप लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शी वॉज ए वेरी वेरी डिसेंट पर्सन, हाईली एजुकेटेड, हाईली एथिकल एंड डिसेंट। पॉलिटिक्स में मुमकिन है वो उन्होंने डंडियाँ मारी हूँ, पॉलिटिक्स में करप्शन के हवाले से जो उन पर चार्जेस थे, या कोई फेवरेटिज्म या इस तरह की चीज़ें, वो अपनी जगह, लेकिन मैं एक एथिकल पर्सन के तौर पे जो बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम लगाए, उससे ये लगता है कि ये खातून जो है ना, इनकी अपनी मैंटेलिटी वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज होती है टू स्टार्ट विथ, कि आई एम नॉट हेयर टू गिव हर एनी बेनिफिट, कि उसका कोई वो पाकिस्तानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फंसी हुई अकेली मासूम खातून है और उनके साथ ये हो गया, बल्कि उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर भी बहुत बड़ी जो है ना एक डार्क साइड है जी। जिसकी वजह से उन्होंने बेनज़ीर जैसी खातून पर इतना सीरियस किस्म का चार्ज लगाया कि वो मैं इवन दोहराना भी जो है मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं समझता। ज़ाहिर है सारे लोग वो जानते हैं, अखबारात में, टी वी पर ये एक बड़ा स्कैंडल रहा है। हैविंग सेड दैट, ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो दूसरा किया कि फिर जब बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है उसने भी बड़ा रिएक्शन किया, जिसके फौरन बाद उन्होंने उसकी पार्टी के 2-3 लोग जो थे उन पे इल्ज़ाम लगाए, जिनमें से एक बहुत ही सीरियस ये था कि जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था उसने जो है वो मुझे रेप किया है, ड्रग किया है और रेप किया है। ये एक बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है। एक और मिनिस्टर था जिस पे उसने ग्रोपिंग का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि उसने ये कहा कि मैं खामोश इसलिए रही कि ग्रोपिंग जो है उसको पाकिस्तान में बुरा नहीं समझा जाता।
यानी शी वॉज ट्राइंग टू से दैट इन ए सोसाइटी लाइक पाकिस्तान विच इज़ ए वेरी हाईली कंजर्वेटिव एंड मैनी वे ओवर सेंसिटिव वैन इट कम्स टू वीमेन, लेकिन जब उसने ये कहा कि ग्रोपिंग को बुरा नहीं समझा जाता इसलिए मैंने इसको डिसमिस कर दिया एंड आई डिडंट रेज द इशू, जबकि अमेरिका में इज़ ए बिग इशू, इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस ऑब्वियसली एंड इज़ ए सोशली अनएक्सेप्टेबल, एथिकली अनएक्सेप्टेबल। तो पाकिस्तान की सोसाइटी जिसके अंदर 24 घंटे इस्लाम का दर्स है, 24 घंटे इस्लाम की तकरीरें हैं, आम आदमी से लेके एक जो है वो क्लीन शेव पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके तो एक मौलवी तक फुल टाइम जो मौलवी है, सब जो है नॉन स्टॉप 24 आवर जो है वो इस्लाम का और नेकी का और पाकबाजी का और पता नहीं किस किस चीज़ का जो है वो दर्स देते हैं। और उस सोसाइटी के अंदर जाके एक अमरीकी खातून ने उनके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा कि इन लोगों की शक्लें देखो कि जो चीज़ अमरीकी सोसाइटी में जिसको ये कुफर और शिर्क का गढ़ कहते हैं उसमें ग्रोपिंग अगर आम आदमी को उसका मतलब ना आता हो, औरत को नाजीबा तरीके से जो है हाथ लगाना जी मुख्तसर अल्फाज में, तो उनको ये कहते हैं कि अमरीकिया में ये बहुत बड़ा एक जो है जो कुफर और शिर्क का गढ़ हमारा मौलवी जिसको करार देता है वहाँ पे ये इतना बड़ा जुर्म और गैर अखलाकी हरकत समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये इतनी आम है कि मैंने इसको डिसमिस कर दिया। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लुक एट दैट सोसाइटी और उसकी द डेप्थ ऑफ हिपोक्रेसी और ये जो कंट्राडिक्शंस हैं और ये जो है वो क्या कहते हैं वो मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला एक मुहावरा है कि यानी वो दो फेस जो है उनके वो खुल के सामने आए। तीसरा जो है उसने एक सबसे बड़ी एक बात जो की, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तायद करता हूँ, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करें और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उनको उस हिसाब से जो है वो सज़ा दी जाए एक ड्यू प्रोसेस का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस तरीके से इसको डिसमिस और रूल आउट कर रहे हैं दैट्स नॉट ट्रू। आप पाकिस्तान का कोई भी जो है वो मैगज़ीन न्यूज़पेपर या कोई भी इस तरह का अखबार उठा के देखेंगे जिसमें ख्वातीन अपनी स्टोरियाँ लिखती हैं कि किस तरह अगर हमें एक दिन अनारकली में जाना पड़े तो वो दिन हमारी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन बैटल होती है कि हमें जो है वो चौकन्ना रहना पड़ता है कि किस वक्त कोई हमारा मुसलमान भाई जो है कहीं कोने से निकल के तो हमें ग्रोपिंग करेगा, यानी दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक ए थिंग यू एक्सपेक्ट ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो ये शहादतें को कम है पाकिस्तान के, जो अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना कुछ सच्ची कहानियाँ वाली वो होती हैं बहुत सारे मैगजीन और वो आप उठा के देखें 99% कहानियाँ इस बारे में होती हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे में बाहर निकली ये हुआ, आपका मालेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका क्लास फेलो है, आपका प्रोफेसर है, लुक एट दी प्रोफेसर्स, और सब ने इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई और तस्वीरें उठाई हुई हैं और वो पजामे पहने हुए हैं और लड़कियों को ग्रोमिंग करते हैं और लड़कियों ने हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स की, नो बॉडी इवन बादर टू लिसन। तो अब ऐसी सोसाइटी के अंदर रहमान मलिक जैसे आदमी पे ये इल्ज़ाम लगे कि उसने एक औरत को ड्रग किया और उसको रेप किया, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आउट ऑफ ब्लू कोई चीज़ कोई लेके आ गया, बल्कि इसके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सीरियस करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं और ऐसे लोग हैं जो समझते हैं वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको भी अपने गरीबा में झांकना चाहिए। और वो जो मुब्बे वतनी के नाम पे और अपनी पाकिजगी के नाम पे चीज़ें छपाने का अमल है ना जी, कि हम तो दुनिया के बरगजीदा तरीन लोग हैं, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम तो गलत काम कर ही नहीं सकते, उसके नतीजे में आप जो है वो बहुत बड़े बड़े बदबूदार किस्म के जो गड़े होते हैं ना गटर, उनके ऊपर ढकना रख के बैठे हुए, और जिस दिन वो ढकना उठेगा उस दिन आप देखें हज़ारों जो है ना सिंथियारी चीज़ जी। जिनका नाम किसी का कोई नाम होगा कोई आशिया फलां देसी जबान में, लेकिन वो इस तरह निकलेंगी और आपको चैलेंज करेंगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक सबक है जी। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इसमें मैंने नोट की कि वो खातून ये कहती है, पाकिस्तान के कुछ अखबारात ने भी ये छापा और ये लोगों के वीडियो भी आए हैं कि जी हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये खातून पाकिस्तान में 10 साल से रह रही है, और उनका कहना यह है कि मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनकी भी आफ पे यहाँ रहे, उनके कहने की वजह से रह रही हूँ, चूँकि उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम्हारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, द वे यू प्रोमोट ओवर कल्चर, द वे यू शो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर, यानी उनको अपनी शनाख्त और अपने कल्चर की पहचान के लिए
इंटरनेशनली एक अमेरिकन खातून की ज़रूरत है। ये क्या चीज़ है, ये जो है आप उसको कह लें कि कम्प्लेक्स किस्म की एक सिचुएशन है जिसमें आपको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स की इस हद को क्रॉस कर जाते हैं कि आपको अपनी शनाख्त का नहीं पता जी। ना उस पर अतमाद है, ना आप उसको डिफाइन करने की पोजीशन में, और इस सिलसिले में आप बाहर से जाके लोगों को मंगवाते हैं कि जी ये गोरी खातून जो है इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमेगी या अखबार में कुछ लिख देगी तो लोग कहेंगे वाह जी पाकिस्तानी जो है वो कितने अजीम लोग हैं। तो इस हवाले से इसका कोई एक पहलू नहीं। फिर वो ये कहती है कि हम जो उसका एक मेन टास्क था वो इंडिया को कश्मीर में एक्सपोज करना है, यानी एक अमरीकी खातून आके इस्लामाबाद में बैठ के तो मेन टास्क उसका ये है कि वो इंडिया में कश्मीर में जो है वो इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस है या जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसको वो एक्सपोज करेगी। और अब उसका नया टास्क ये है कि वो पीटीएम जो है एक पश्तून इताद है जो कि एक रेडिकल पश्तून तहरीक है जो कि वाहिद मनाजम तहरीक है जो पाकिस्तान मिलिट्री को ओपनली क्रिटिसाइज कर रही है जी। तो उसको भी अब उसने कहा कि मैं एक्सपोज करके रखूँगा। तो इन सारी चीज़ों को देख के तो ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, ये एक पूरा नावल का थीम है जिसको लिखा जाना चाहिए जी। थैंक यू मिस पशानी। व्यूअर्स प्लीज डू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। थैंक यू। ऑल नेचुरल स्वीटनर फ्लेवर ऑल 20 फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम, the perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorol by Greenish. Flavorol from Greenish, now available at Rexall Pharmacies. Welcome back, viewers. Thank you, Ms. Bishani, for discussing the scandal that's going on with Cynthia Ricci. And my next question is in regards to coronavirus crisis that's happening in Pakistan, and how do you think the government's going to handle this case or this matter or the situation that's there right now? देखें कोरोना जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए एक रियली एक बड़ा चैलेंज और एक मसला ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशनज हैं। पहली बात यह है कि वहाँ अभी तक ये एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 85% लोग जो है वो अभी तक इस थ्योरी में फंसे हुए हैं कि ये कोरोना जो है ये कोई कंस्पिरेसी है या ये कोई रियल कोई थ्रेट है जो है वो लाइफ को या आपकी सेहत को, यानी लोगों ने तय ही नहीं किया कि ये चीज़ क्या है और इसके साथ हम कैसे डील करें। और जाहिर है ये चीज़ें लोगों का काम तय करना नहीं होता जी। ये पॉलिसी शुरू होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि आपके जो एलीट क्लास होती है, हुकूमत होती है, रूलिंग क्लास होती है, उसका काम होता है कि वो एक दो टोक अंदाज में लोगों को बताते हैं कि भाई ये कोरोना ये चीज़ है जैसे यहाँ हमें बताया जा रहा है या डिफरेंट मुल्कों में, और इसके ख़िलाफ़ सिर्फ इस तरीके से लड़ा जा सकता है और उसके ये तरीक़ाकार है। यानी जो है कि लीडरशिप का कन्फ्यूजन जो है खुद वो जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है अवाम के अंदर। जहाँ तक उसकी कारकर्दगी का ताल्लुक है तो मैं इसको इंतहाई नरम अल्फाज में जो है टोटल फेलियर, बल्कि फेलियर भी नहीं कैटास्ट्रोफिक मैं इसको कहूँगा नरम तरीन अल्फाज में। चूँकि आप ये देखें कि अब जो 3 महीने के इस प्रोसेस में दुनिया के मुख्तलिफ ममालक के तजर्बात और उनके जो एक्शंस थे या कोरोना के बारे में उनकी जो अप्रोच थी वो उसके अब फ्रूट सामने आना शुरू हो गए जी, कि किसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला। इस वक्त जो है वो हमारे सामने दुनिया के 3 मुल्क जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन कम से कम 99% जो है वो कोरोना से वो क्लियर होके तो दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट गए। इनमें एक जो है वो न्यूज़ीलैंड है जी। न्यूज़ीलैंड में एक भी अब केस जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने पूरी लाइफ विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग के या किसी और रिस्ट्रिक्शन के ओपन कर दी एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ क्यों ऐसे हुआ, इसलिए नहीं कि आबादी कम है। आबादी अगर कम है तो उसी हिसाब से लोग भी बीमार होते हैं। उसकी आबादी अगर 50 लाख है तो 1400 बंदा बीमार हुआ तो उसमें से 1300 कैसे ठीक हो गया। ये तो इसका मतलब ये है कि एक कैपेबिलिटी जो है ना आपकी कैपेसिटी वो 10 आदमी हों या 10 बिलियन हों वो उसी तनासब से आप निकाल सकते हैं, चूँकि उसी हिसाब से नुकसान जो है वो होगा।
लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो डलमल यकीनी आप जिसको कहते हैं और कन्फ्यूजन जी, ये करने के बजाय फ्राम डे वन और फौरन बाद यानी जनवरी में जो ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो ज़बरदस्त किस्म का लॉकडाउन किया प्रॉपर तरीके से। अब ये नहीं कि जी हम केक खाएंगे भी और रखेंगे भी, यानी लॉकडाउन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक कॉमन प्रैक्टिस। एक सूबे वाला कहता है हमने लॉकडाउन किया हुआ है, मरकज़ जो फेडरल है वो कहता है हमने नहीं किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर कहता है लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, चीफ मिनिस्टर कहता है लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी काम ही कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बगैर नकाब के ये मास्क के घूमता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो उतारता है। यानी ये जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना ये चीज़ें, तो इससे ज़ाहिर है पब्लिक उसी तरीके से मुतासर होती है। न्यूजीलैंड में ये जो प्रैक्टिस थी कम्प्लीट लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और एक क्लियर कट पॉलिसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके नतीजे में वो क्लियर हो के अब नॉर्मल लाइफ की तरफ है। दूसरी तरफ आप कोरिया को देख लें, कोरिया और चीन के दरमियान जो ताल्लुक है, कुर्बत है, आमद और रफ्त है, ये सारी चीज़ें रखने के बावजूद उन्होंने भी सबसे पहले लॉकडाउन किया, आज वो भी क्लियर है। और उसके बाद आप नुकसान भी देखते जाएँ कि आबादी के तनासब इस हिसाब से बंदे मरे कितने बचे कितने, उसके बाद आप देख लें ये जो है वो ग्रीस के, वह भी एक इसी तरह का गुंजान आबाद मुल्क है और उन्होंने भी जो वाहिद तरीका वहाँ पे अपनाया कि इंतहाई इब्तदाई स्टेजेस पे उसको उन्होंने लॉकडाउन किया, कामयाबी से लॉकडाउन किया और जब वो कंट्रोल हो गया तो उन्होंने खोल दिया। अब मेरे ख्याल में वो दुनिया के पहले दूसरे मुल्कों में आता है जिन्होंने जून से जो है अपना टूरिज़म शुरू कर दिया, ओपन कर दिया। सो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज जी, और ये सक्सेस स्टोरीज जो हैं इनमें बॉटम लाइन क्या है, लॉकडाउन एक और यूनिटी ऑफ थॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द डिसीजन मेकर्स, और लीडरशिप का जो है वो क्लियर हेडेड किस्म का होना, ये नहीं कि इधर भी ठीक है और उधर भी ठीक है। उसकी निस्बत ये जो पाकिस्तान में फेलियर हुआ है या कैटास्ट्रोफ हुआ है या नाकाबले बयान किस्म का नुकसान हुआ है, इसका तो ये अभी आगाज़ है। इसके असर जो शक्ल आप देखेंगे वो अगस्त में और जुलाई अगस्त के दरमियान में ये उभर के सामने आएगी। एग्जैक्टली इसी तरह का रवैया जो है वो ब्राज़ील में भी था और आज भी ब्राज़ील के जो लीडर्स हैं वो इस पे क्लियर नहीं हैं कि लॉकडाउन ठीक है या गलत है और लोगों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लीडर जो हैं उनका भी फेलियर ज़रूर है। मसलन आज हमारे यहाँ आके कहते हैं जी के मास्क पहनो जी, अब ये मास्क पहनने वाली बात 3 महीने पहले भी की जा सकती थी, मास्क को मैंडेटोरी भी करार दिया जा सकता था। तो मुमकिन है ये जिस पैमाने पे नुकसान हुआ है इकोनॉमिक फिजिकल ये सारा ये ना होता, तो ये चीज़ें जो है ना अब अगर देख के सारी सामने रख के देखें तो पाकिस्तान में कोरोना जो है वो एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर गया, मज़ीद करेगा। ज़ाहिर है कि उसका जो फॉल आउट है, चूँकि इकानोमी तो पहले भी जो हालत थी उसकी अब उससे भी डेफिनेटली चूँकि अब माइनस जो है वो नेगेटिव उनका आ गया है ग्रोथ रेट, लेकिन इससे साबित ये होता है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट होती है या किसी डिज़ास्टर की शक्ल में किसी नेशन का जो रिस्पॉन्स है, इसके बारे में पहले ही कहीं आलमी इदारे बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न शो कर चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालक जिनके अंदर इतना कैओस और इतनी बद इंतज़ामी और इतना जो है वो कंट्राडिक्शंस हैं पॉलिसीज़ में, वो किसी ऐसी सूरत में ख्वाब वो कोई पेंडामिक हो, कोई डिज़ास्टर हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, इस सूरत में उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और सर्वाइव का मतलब अब ये नहीं होता कि आप 5 लाख आदमी मरवा के तो खुश हों कि नहीं जी हम बचे हुए हैं, सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि आपकी कम अज़ कम डेथ हों, कम अज़ कम जो है वो नुकसान जी। Thank you, Mr. Bashani. Mr. Bashani, my last question to you is in regards to the newly found National Finance Commission Award. Can you please shed some light on this as well? ये जो newly found National Commission Finance Commission है, ये जो एक complicated किस्म का इदारा है जिसका simple मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान के federal सतह पे resources होते हैं, हाँ जी, उनको तकसीम करने का फार्मूला तय करता है। ये कमीशन बनाते हैं हर 5 साल के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ताकि कमीशन के लोग बैठ के तो वो तय करें कि हमने कितने पैसे जो हैं किस तरीके से तकसीम करने हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। राइट।
और वो पैसे कहाँ से आते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो टैक्सेस से पैसे जमा करती है, जिसमें इनकम टैक्स है, HST है आपका, सेल्स रिटेल टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो जमा करके तो फिर पूरे मुल्क में वो देखते हैं कि इनको किन किन प्रोविंसेस को या टेरिटोरीज़ को किस किस तरीके से दिया जाए, जो कि इस दफ़ा भी हुआ है। और ये काफ़ी जो है इस पर डिस्कशन इस दफ़ा इसलिए हुई कि एक तो जो है वो पहले जो इस तरह के नेशनल फाइनेंस कमीशन रहे हैं वो बड़े तरीके से बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं गुज़श्ता 10-12 साल के दौरान जो उनकी कारकर्दगी थी, चूँकि उनका जो क्राइटेरिया था वो था पॉपुलेशन की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो पॉपुलेशन की बुनियाद का मतलब ये है कि पंजाब चूँकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है इसलिए सारे पैसे नहीं तो एक बड़ी तादाद पैसों की उनके पास जाते थे, जिसको कहा जाता था कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दिए कि जहाँ जहाँ से भी घुमा फिरा के वापस पंजाब की जेब में जाके वो पैसे पड़ते थे जी। तो इस पे फिर एक सोच पैदा हुई कि इसके क्राइटेरियाज आप चेंज करें, लेकिन मैं बड़ा इस पे फैसिनेट हो रहा था कि ये क्राइटेरियाज चेंज करके तो इसको पावर्टी अंडर डिवेलपमेंट या लेस फॉर्चुनेट की इलाकों के हवाले से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा जो किया उसमें भी उन्होंने पॉपुलेशन को 82% फैक्टर बनाया, यानी फिर बात जाके वही अंधे पे ही ठहरी। लेकिन इसमें इस दफ़ा उन्होंने एक काम यह किया कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तानी पार्ट ऑफ कश्मीर है और गलगित बल्तिस्तान उसको भी उन्होंने शामिल किया, जो कि पहले शामिल नहीं करते थे। शामिल इसलिए नहीं करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये हिस्सा नहीं है, लेकिन शामिल अब भी उनको इसलिए नहीं किया कि उनकी कोई राय ली जाएगी या उनको फोरम में बिठाया जाएगा या उनका कोई बंदा अपॉइंट किया जाएगा। वहाँ जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं वो सारे चारों सूबों पाकिस्तान के जो चार फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सिंध बलोचिस्तान पंजाब और सरहद पख्तूनख्वा, उसका एक एक मेंबर जो है मिनिस्टर्स और फिर एक वो टेक्नोक्रेट से लेके 8 मेंबर उन्हें बनाए। लेकिन उन्होंने इनको शामिल इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि हम इनको भी कुछ पैसे देंगे, जिसकी वजह से जो आज़ाद कश्मीरी हुकूमत है ना उनके कान खड़े हो गए कि हमें को बहुत बड़े पैसे मिलने वाले yeah। तो वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कि कमीशन का फैसला आया कि आज़ाद कश्मीर को 32 अरब देंगे। 32 अरब कितने पैसे हैं? 32 अरब का मतलब ये है कि वो वहाँ पे एक डैम बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने मुख्तस किया है 25 अरब। दूसरी तरफ एक पूरी टेरिटोरी, एक मुल्क, उसकी जो 40 लाख आबादी है, उसके जो सारे और इस सारे किस्से कहानी में उसके भी बहुत बड़े वसाइल शामिल हैं। उसके वसाइल से मराद जो है वो ज़र मुबादला जो है, फॉरेन एक्सचेंज और वाटर रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे अगर जमा किए जो हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर बनते हैं। तो इसके बदले में उन्होंने कहा कि हम आपको जो है 32 अरब देंगे। तो इस हिसाब से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एक एक सूबा का इलाके का एक हिस्सा जो है, जो नादरन जो टेरिटोरीज हैं जहाँ ये PTM वगैरह है, वहाँ पे उन्होंने 48 अरब जो है उसको दिया, जिसकी कुल आबादी जो है वो उसके निसफ ही नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये तो एक बड़ी एक खबर बना के पेश की जा रही थी। थैंक यू मिस्टर, आई एम गोना होल्ड यू राइट देयर, व्यूअर्स प्लीज डू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। थैंक यू। Natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back, viewers. Sorry, Ms. Bashani, I had to take the break, but you were still discussing, I guess, the Finance Commission and the impacts of it in Pakistan. Can you please continue? हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि ये जो हुआ है कमीशन अवार्ड जिसको आप कहते हैं फाइनेंस कमीशन का, उसने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो एक तो क्राइटेरिया इख्तियार किया वो वही पुराना है, और दूसरा अगर उसने कुछ टेरिटोरीज या ऑटोनोमस रीजन को उसके अंदर रखा भी है
जिसमें आज़ाद कश्मीर गलगत बल्तिस्तान शामिल है, तो उसकी वजह से उनको कोई ख़ास जो है वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मिली है कि जिसकी वजह से वहाँ के हालात जो हैं वो तब्दील हो सकें। चूँकि मसला ये है कि ये कामयाबी इस तरीके से मुमकिन है उनको नज़र आती हो कि हमें 32 अरब मिला है, लेकिन दूसरे तरीके से जिन लोगों को इस पर एतराज़ है उनको ये भी एतराज़ है कि आज़ाद कश्मीर का जो वहाँ की जो हक मलकियत है, हक हुक्मरानी है और वसाइल के ऊपर काबू और कंट्रोल का जो मसला है वो वहाँ के लोगों का है। तो अगर आपने उनकी कोई मदद करनी है या उनके साथ कोई मेहरबानी करनी है या उन पे कोई एहसान करना है तो वो आप ये करें कि आप उनके वसाइल जो हैं जी वो पहले उनको हैंड ओवर करें, अपने इलाके के वसाइल को ख़ुद अपने ऊपर खर्च करने का उनको मौका दें, अपने इलाके के अंदर ख़ुद अपने आप पर हुकूमत करने का इख्तियार आप उनको दें, बजाय इसके कि आप 32 अरब दे दें और एक ऐसे तरीके से दे दें कि आप ये भी नहीं हैं और वो भी नहीं हैं, आप हमारा हिस्सा भी नहीं हैं और आइनी तौर पर इसके अहल भी नहीं हैं तो हम आपको ये देते हैं, लेकिन जो रियल इशू है वसाइल का, मसलन रॉयल्टी है डैम्स की जी और जो फॉरेन एक्सचेंज का मसला है उसको एड्रेस किए बगैर ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक तरह की वो क्या कहते हैं ऐशकशुई आई वाश से ज़्यादा कुछ नहीं। ओके थैंक यू मिस पशानी, थैंक यू फॉर डिस्कसिंग दीज 3 क्वेश्चंस। व्यूअर्स प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।